जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आज दोस्तों किसके पेपर हुए हैं, राजस्थान SI यानी कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर यानी राजस्थान दरोगा के दोस्तों, ठीक है। और इसमें आपको बता दें कि दो पेपर होते हैं, एक GS का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और एक हिंदी का होता है दोस्तों जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आज हम हिंदी का पेपर पूरा सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग कहते हैं दोस्तों तो हम इसके GS का भी पार्ट लेकर के अवश्य आएंगे। तो 100 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, तो चलिए हम शुरू करते दोस्तों। उसके पहले बता दें कि अगर आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के हम पेपर आपके लिए अवश्य लाते रहेंगे। और दोस्तों बता दें आपको कि हाल ही में दोस्तों जो यूपी में दोस्तों किसके मृतक आश्रित दरोगा के पेपर हुए थे उनको भी हमने सॉल्व कराया है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, इस पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द किसके हैं पेड़ के पर्यायवाची है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए विपट द्रुम, तो हमारा यही पहला ऑप्शन हो जाएगा, विपट और द्रुम सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये पुहुप वाला हो जाएगा फूल का, तो नहीं हो पाएगा। इसमें रसाल होता है आम का, अरण्य में होता है दोस्तों जंगल, तो ये तीनों तीनों गलत हो जाएंगे, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है मेरे दोस्तों, तो किसमें नहीं है। आपको पता है ऊंट के बच्चे को दोस्तों करप बोलते, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। रात का यामनी होता और इच्छा का हिस्सा होता है, मगर दोस्तों कपोत मिस का होता है कबूतर और पिक मिस का होता है कोयल होता है, तो यही गलत हो जाएगा तीसरा नंबर। चलिए अगला है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग होता है दोस्तों, हमने बताया था निपात क्या होता है, किसी चीज को बल दे देता है दोस्तों ना। देखिए मैं कल आ सकता हूं, बिल्कुल सही है, संभवतः वह आएगा यह भी सही है, वह पटना गया था यह भी सही है। देखिए इस सेंटेंस में निपात का प्रयोग हुआ है, मुझे आने तो देते, देखिए मुझे आने दो, ये तो बिल्कुल सही है, मुझे आने तो दो, तो शब्द क्या है दोस्तों, यही निपात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है दोस्तों, तो किस विशेष किसमें दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए दूसरा ऑप्शन दोस्तों जाएगा पीड़ा और दया दोस्तों, है ना, दया, तो आप पता हो जाएगा दोस्तों ये बिल्कुल और बिल्कुल सही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों, तो पता है तटनी भी है, पैसनी भी है, अपका भी है, सरसी नहीं दोस्तों, सरसी किसका होता है, तालाब का होता है, ठीक, सरोवर का होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, देखिए छठा क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों भिन्नार्थक शब्द का सही नहीं है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए रित का, रित और रित का दोस्तों, रित मतलब सत्य सच्चा होता है, बिल्कुल सही, और ऋतु मतलब क्या होता है, एक मौसम है, आपको ये पता भी होगा इसके बारे में, ठीक है। वसन और व्यसन मतलब क्या होता है, वसन मिस कपड़ा होता है, व्यसन मिस क्या होता है दोस्तों, बुरी लत, बिल्कुल सही है। और शोथ दोस्तों, शोथ मिस सूजन होता है, शोध मिस शुद्धि संस्कार होते हैं, मगर दोस्तों व्रत मिस क्या होता है, डंठल होता है दोस्तों, और वृंद मिस समूह होता है, मगर इसका दोस्तों उल्टा दे दिया गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, किन संस्कृत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं दोस्तों, देखिए द्रव का तरल होता है और द्रव्य का दोस्तों पदार्थ होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दोस्तों चिर का होता है, आपको पता है चिर और चीर, देखिए चिरमिस का होता है, चिरमिस का होता है वस्त्र होता है दोस्तों, इसका गलत किया, चिरमिस वस्त्र वस्त्र नहीं होता दोस्तों, चिरमिस पुराना होता है दीर्घकाल, देखिए इसका उल्टा कर दिया गया, देखिए चिर चीर मतलब क्या होता है दोस्तों, चिर मतलब होगा दीर्घकाल और चीर मतलब होता है वस्त्र दोस्तों, मगर इसका उल्टा कर दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसमें उल्टा कर दिया गया, चिर मतलब होता है दीर्घकाल और चीर मतलब वस्त्र होता है, मगर इसका उल्टा कर दिया गया। हरण मिस दोस्तों, हरण करना, सीता को दोस्तों रावण हरण करके ले गया था, मतलब चुरा के ले गया था, हरिण मतलब क्या होता है, हिरण, बिल्कुल सही है, बाकी सभी सही है दोस्तों, आपका कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा नंबर। चलिए परिच्छेद और परिच्छेद में दोस्तों क्या अंतर होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों, हमारा फोर्थ नंबर, परिच्छेद मतलब आवरण होता है दोस्तों, और परिच्छेद मतलब क्या होता है, अनुभाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है मेरे दोस्तों, तो किसका सबसे अच्छा चीज क्या होगा, किसका विलोम नहीं दोस्तों, तो आपको पता होगा श्लाघनीय का प्रशंसनीय होता दोस्तों, यही विलोम नहीं है, बाकी रित का अनृत और सापेक्ष का निरपेक्ष और साम का वैषम्य दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है दोस्तों, तो विलोम शब्द युग्म किसमें नहीं है, ये आपको बताना दोस्तों, 10वें का बिल्कुल सही कहा जाएगा दोस्तों, संग्रह का परिग्रह दोस्तों, ठीक है। देखिए परिग्रह का परिग्रह होता दोस्तों, है ना, देखिए संग्रह का परिग्रह यही क्या है आपका गलत है,
है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। सम्मुख अभिमुख सही है और सघन का विरल सही है, ऋजु का वक्र बिल्कुल होता है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से विलोम का युग्म है दोस्तों, तो कौन सा विलोम शब्द का सही युग्म है दोस्तों, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा। देखिए सही युग्म क्या हो जाएगा दोस्तों, समिस का आमिस हो जाएगा ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चन का कहता है कि कही हुई बात को फिर से कहना। देखिए कही हुई बात को फिर कहना दोस्तों वही क्या होता है, तो पृष्ठ पेषण होता दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। वाचाल का होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है दोस्तों, क्या जो बहुत ज्यादा बोलता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परिसर्ग का चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोस्तों। संप्रदान क्या होता है, के लिए है ना, फिर के हित में। देखिए उस जगह एक सभा होने जा रही, इसमें नहीं हुआ है दोस्तों। लड़का अब अपने पांव से चलता है दोस्तों, तो करण हो जाएगा दोस्तों, है ना। वह घर से बाहर आया दोस्तों, तो से बाहर यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे अपादान हो जाएगा। मगर दोस्तों हमारा चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी में आपका क्या है कारक कौन सा संप्रदान है। ठीक, राम के हित लक्ष्मण बन गया दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर। अगला है, जिसका आचरण अच्छा हो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, सदाचारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदाचारी। चलिए अगला है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, तो संक्रामक बोलते हैं, संक्रमण रोग बोलते हैं, संक्रामक बोलते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए एक मिनट 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे यहीं पे है नीचे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला क्या होता है दोस्तों, जिज्ञासु होता है। क्या होता है, जिज्ञासु होता है। पिपासु दोस्तों पीने की इच्छा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लिया आपके सामने। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा शब्द सदैव एकवचन में होता है दोस्तों। आपको पता है होश, आंसू, बाल, ये क्या होता है, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। मगर दोस्तों आकाश का है आपका एकवचन हो जाएगा। चलिए अगला है, मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों। तो देखिए आपको बताना है इसमें किस भाग में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए इस समय मैं आपकी दोस्तों, आपकी क्या है, मध्यम पुरुष तो है। देखिए हम अपने आप को भूल गए दोस्तों, ये उत्तम पुरुष, हम क्या है उत्तम पुरुष दोस्तों, यही बिल्कुल राइट हो जाएगा, यही से मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए यहां पर आप आ गए, ये मध्यम पुरुष और आपको ये मध्यम पुरुष, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इसका पेन का हम कलर चेंज कर ले तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। देखिए जब किसी चीज से कोई अलग होता है दोस्तों, तो वहां पे अपादान कारक होता है ना कि करण कारक। देखिए से दो शब्दों में मिलता है, एक मिलने की स्थिति में दोस्तों करण हो जाता है और अलग होने की स्थिति में अपादान। देखिए हिमालय से अनेक नदियां निकलती, मतलब हिमालय से नदियां क्या हो रही, अलग हो रही दोस्तों, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्या है स्त्रीलिंग है दोस्तों। आपको पता होगा कि इनके सभी स्त्रीलिंग कौन से, इमली है ना, इमली खाई जाती है दोस्तों, चांदी होती है और लौकी होती है दोस्तों। ये सभी के सभी क्या है स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ये आप पहचान लीजिएगा दूसरा नंबर। चलिए अगला है, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, तो कोई शब्द स्त्रीलिंग नहीं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए नींबू खट्टा होता है, दही जमाया जाता है दोस्तों, और है ना दही भी खट्टा होता है और केला खाया जाता है दोस्तों। तो ये चीजें तीनों क्या हैं, ये पुरलिंग हैं, इसमें से कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आवृत्ति मूलक पक्ष कौन सा है दोस्तों, क्या आवृत्ति मूलक पक्ष कौन सा है दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा हमारा, वह जाता है। चलिए अगला है कि कृत्यवाच्य शब्द में संबंधित कौन सा, देखिए किसान द्वारा फसल काटा जाता दोस्तों, ये क्या होगा, जहां पे के द्वारा या फिर द्वारा ऐसे आया था दोस्तों, वो क्या होता है कर्मवाच्य होता है, हमने पहले बताया। लड़का पढ़ रहा दोस्तों, बिल्कुल सही, लड़का पढ़ा इसमें करता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कृत्यवाचक। ठीक है, कृत्यवाच्य हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, किस विकल्प में समसुल भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो कौन सा सुमेलित नहीं, ये आपको बताना है। देखिए तर्क और तर्क दोस्तों, ये क्या बहस छाछ बिल्कुल सही है, निर्माण निर्माण दोस्तों रचना और मोक्ष बिल्कुल सही है, जठर और दोस्तों जरठ दोस्तों ये गलत हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए ये गलत हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। पथमिस मार्ग होता है दोस्तों, पथमिस क्या होता है दोस्तों, भोजन होता है जो बीमार के समय में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है फिर से दोस्तों, अगला है कि किस विकल्प में संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित है दोस्तों, तो बताइएगा दोस्तों कौन सा सुमेलित है, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों। आपको पता है देखिए अनिल और अनल, अनिल मिस क्या होता है दोस्तों, हवा,
मगर यहाँ पे गलत दिया है, इसका अलग दे दे, इसका अलग दे दे, दोस्तों ये बिल्कुल गलत कर दिया गया है। सर्वथा और सर्वदा दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वथा और सर्वदा यही हो जाएगा। सर्वथा मतलब क्या होता है, सब तरह से, और सर्वदा मतलब हमेशा। दोस्तों देखिए जलद मिस जल को देने वाला यानी बादल हो जाएगा दोस्तों, और जलद मिस का होता है कमल दोस्तों, देखिए इनका उल्टा कर दिया गया। देखिए अश्वमिस घोड़ा होता है और अश्वमिस का पत्थर होता है दोस्तों, अश्वमिस का पत्थर होता है, तो ये भी गलत है, मतलब आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है निश्चयार्थ वृत्ति कौन सा दोस्तों, निश्चयार्थ वृत्ति होगा बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली दोस्तों, ये निश्चित होगा ना, एकदम निश्चित होगा कि बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, किस विकल्प में सभी शब्द क्या है दोस्तों शुद्ध है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, देखिए तंदुरुस्त मद्देनजर होता है दोस्तों, मद्देनजर नहीं होता, मद्देनजर होता है ना, और चारागाह है, बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है दोस्तों, तो किसमें भाववाच्य नहीं है ये आपको बताना है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा तीसरा, ठीक है। देखिए ये क्या है, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता दोस्तों, ये भाववाच्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले तरफ चलते दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, कौन सा कथन क्या है सही नहीं है मेरे दोस्तों। देखिए कृतवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों से क्रिया होता है, बिल्कुल सही है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया बनता है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्या बिल्कुल गलत है, कर्मवाच्य दोस्तों केवल सकर्मक क्रिया से ही बनती है दोस्तों। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया बनता है, बिल्कुल सही है। प्रणार्थक क्रिया सदा सकर्मक होती है दोस्तों, ये भी सही है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं, कौन सा कथन गलत है दोस्तों, क्या है कि कौन सा कथन गलत है दोस्तों, ये हैं। देखिए मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक एक से अधिक हो सकते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपको देखा भी होगा, हमने पढ़ाया दोस्तों मिश्रित वाक्य में, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं कि साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय बोलते, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्या है यही गलत हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए और देखिए रचना के दृष्टि से वाक्य तीन प्रमुख अंग होते हैं, बिल्कुल सही है, भी सही, तो हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से शब्दयुग्म नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है शब्दयुग्म दोस्तों, हार का परिहास दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्या है ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, व्यष्टि का समष्टि दोस्तों, आपको पता है कि दोस्तों ये क्या है, व्यष्टि का समष्टि, मुख का वाचाल दोस्तों, है ना, स्थावर जंगम दोस्तों, ये विलोम शब्द है, मगर दोस्तों हार मतलब क्या होता है, हार का जीत होना चाहिए, है ना, परिहास का तो मजाक उड़ाना एक टाइप का ना, तो यही ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है दोस्तों, कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो देखिएगा यहां पे दोस्तों जड़ का चेतन बिल्कुल सही है, स्वकी का परकी और हर्ष का विषाद बिल्कुल सही, देखिए वैतनिक का सवैतनिक दोस्तों ये तो सेम है, ये पर्यायवाची शब्द है ना कि विलोम शब्द, तो हमारा 32 का बिल्कुल सही हो जाएगा दो नंबर। चलिए अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द क्या है अशुद्ध है दोस्तों, सभी शब्द क्या है अशुद्ध है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 33 का दूसरा हो जाएगा, ठीक है, 33 का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 34 नंबर, इनमें से दृष्टि से कौन सा दृष्टि शुद्ध नहीं है दोस्तों, तो पता हुआ सृष्टि सही लिखा, वापस भी सही, मतस्य भी सही है, मगर दृष्टा नहीं होता दोस्तों, ये दृष्टा ऐसे होता है दोस्तों ना, दृष्टा नहीं होता दृष्टा होता दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा ए नंबर गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, शुद्ध शब्द कौन सा दोस्तों, तो ये वर्तनिक दृष्टि से बताइएगा, देखिए द्वितीय वयस्क, देखिए वयस्क नहीं होता दोस्तों, वयस्क होता ना, तो दोस्तों इसमें समझिएगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो गलत लिखा है। द्वितीय दोस्तों बड़ी के मानता होगा, दंपत्ति दोस्तों यही दंपत्ति सही, बुधवार कैसे लिखते हैं दोस्तों आपको पता होगा कि बुधवार ऐसे लिखते ना दोस्तों, यही क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 36 नंबर का कह रहा है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है दोस्तों, संयुक्त वाक्य में क्या आता है आपको पता होगा, किंतु परंतु अपितु लेकिन परंतु है ना, ऐसे सेंटेंस आते हैं, देखिए लाखों लोग कोरोना से काल कलविद हो गए दोस्तों, ये तो देखिए आपका सरल वाक्य है, मैंने सुना कि आप अच्छे कवि दोस्तों की आ गए, यानी क्या होगा ये मिश्रित वाक्य हो गया दोस्तों, जब बरसात थमी तब लोग बाहर आए दोस्तों, ये भी मिश्रित हो गया दोस्तों, मगर ये क्या है दोस्तों आपका संयुक्त वाक्य है, क्योंकि लेकिन आ गए, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रहेगा दोस्तों, लेकिन आया है, देखिए किंतु परंतु लेकिन है ना, ऐसे शब्द आएंगे तो आपका मिश्रित हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है दोस्तों, क्या सरल वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है दोस्तों, बिल्कुल सही है, यही हमारा सरल वाक्य हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो जितना मांगता उसको उतना ही दिया था दोस्तों, ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ऐसा मेरा भाई आए यहां आएगा या मैं उसके पास जाऊंगा दोस्तों, ये भी मिश्रित है, और दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये देखिए ये भी मिश्रित है ना, तो ये चीज आपको पता, देखिए ये क्या संयुक्त है दोस्तों, तो ये देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा,
हमारा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा। संयुक्त वाक्य जुड़ा हो दोस्तों और लेकिन परंतु से ना, देखिए वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया दोस्तों, ये क्या है मिश्रित था दोस्तों, मैं आगे बढ़ गया और वो पीछे देखिए और आ गया, और लेकिन किंतु परंतु ऐसे आते हो संयुक्त वाक्य ही होता है, मैं पहले भी बता चुके, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई दोस्तों, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई दोस्तों, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है दोस्तों। देखिए लड़के और पढ़ाई दोस्तों ये दो क्रियाएं हो रही थी, यानी द्विकर्मक हो जाएगा दोस्तों। पूर्वकालिक क्या होता है, जब एक काम करके दूसरा काम करने लगता है, यानी कि जैसे कहा जाए श्याम पढ़कर सो गया, तो पहले पढ़ा फिर सोया दोस्तों, तो ये संयुक्त पूर्वकालिक क्रिया होता है दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, द्विकर्मक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर कौन सा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य क्या है दोस्तों, बिल्कुल अशुद्ध है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों 40 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। मुझसे उसका काम अच्छा लगता, मुझे उसका काम अच्छा लगता, बिल्कुल सही है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, बिल्कुल सही है। वो बुरे आदमी नहीं है दोस्तों, तो वो बुरे आदमी नहीं है दोस्तों, यही बिल्कुल गलत है दोस्तों, यही अशुद्ध है, ठीक है। चलिए अगला व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। क्या है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखिए किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अगर दोस्तों देखिए कोई बिना कर्ता के भी काम चल जाता है, बिना कर्म के भी काम चल जाता है, मतलब जरूरी नहीं कि होने ही चाहिए ना, तो यही गलत हो जाएगा दोस्तों। और बाकी ये सही है दोस्तों, वाक्य के दो प्रमुख घटक उद्देश्य विधेय होते हैं, बिल्कुल सही, और सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, बिल्कुल सही। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, यही गलत हो जाएगा। अगला है व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन कौन सा है, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बतलाने वाले क्रिया विशेषण दोस्तों, तो यही गलत है। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताते हैं ना, और सॉरी देखिए क्रिया की क्रिया विशेषण बताएगा, जबकि सर्वनाम की कौन बताता है दोस्तों, तो विशेषण बताता है ना, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषण बताता है, क्रिया की क्रिया विशेषण बताएगा, मगर इसमें गलत कहा गया कि सर्वनाम और क्रिया की विशेषता, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरे का पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। क्रिया के दो ही भेद होते हैं, आपको पता सकर्मक अकर्मक होते हैं, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, बिल्कुल सही, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सही है, हमारा की पहला ही गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है दोस्तों, वह सारी रात भर, देखिए चाहे सारी लगा लो और चाहे भर लगा लो दोस्तों, उसका मतलब ये होता, तो ये बिल्कुल गलत हो जाए। एक लोटा पानी भर लाओ दोस्तों, एक लोटा कह दिया था पानी, उसे भरा लाओ दोस्तों, तो भरा नहीं, गलत हो जाएगा दोस्तों। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, चाहे भैया ध्यान लगा लो चाहे साथ लगा लो दोस्तों, ये बिल्कुल वही चीज है, तो ये भी गलत हो जाएगा। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 44 की तरफ चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, यही वे कारण है जिनके कारण वह परेशान है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो देखिए ये क्या है, अशुद्ध दोस्तों, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल दोस्तों, बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही। देखिए वे सब काल चक्र के पहिए, देखिए चाहे चक्र कर लो चाहे पहिए कर लो, ये बात वही हुई दोस्तों, ये बात सुनते सुनते कान पक गए, कान पकते रहे दोस्तों ना, तो दोस्तों ये बात ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आदि और आदि, आदि दोस्तों क्या होता है, आदि और आदि दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, आरंभ और अभ्यस्त हो जाएगा। चलिए किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है दोस्तों, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया दोस्तों, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा, तो ये भी गलत हो गया। देखिए आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह दोस्तों, सौभाग्यवती नहीं होता, सौभाग्य कांछड़ी होता दोस्तों, याद रखेंगे। हरिश्चंद्र के समीप कोई सत्यवादी नहीं होता, समीप नहीं होगा दोस्तों, समान, ठीक है, समान होगा, हरिश्चंद्र के समान दोस्तों। अगला है वह पुत्रवत राजा का पालन करेगा दोस्तों, पुत्रवत प्रजा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, पुत्र के समान वाली प्रजा का पालन करेगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों, कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों, मुझे शिक्षा प्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, यही बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना, यही बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही अपना हमारा ए नंबर हो जाएगा दोस्तों 47 का। चलिए अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है दोस्तों, तो कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं, देखिए कहानी सुनकर मुझे बहुत आनंद आया, तो दोस्तों ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, शुद्ध नहीं है दोस्तों, ठीक है। कौन, एक मिनट दोस्तों, हमें बताना है कि कौन सा कथन क्या है बिल्कुल शुद्ध नहीं है दोस्तों, तो ये क्या है, शुद्ध है दोस्तों ना, शुद्ध कहानी सुनकर मुझे हमें बहुत आनंद आया, बिल्कुल सही है, हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है, देश के सभी लोग एकजुट है, बिल्कुल सही है, बेफालतू बातें मत करो दोस्तों, चाहे बेफालतू नहीं दोस्तों, फालतू की बातें मत करो, देखिए बे और फालतू वही शब्द है दोस्तों, तो बिल्कुल सही, गलत हो जाएगा हमारा 4 ऑप्शन डी नंबर। चलिए
अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 49 नंबर का सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मतलब क्या होता है दोस्तों? अब देखिए, सिर मुड़वाए तुरंत ओले पड़ गए, मतलब क्या हुआ कि कार्य आरंभ में ही विघ्न पड़ गया दोस्तों, मतलब कार्य शुरू करते ही गड़बड़ी आ गई। चलिए, गागर में सागर बनना मतलब क्या होता है कि बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना दोस्तों। अगला है कि गलत कथन कौन सा है दोस्तों? गलत कथन आपको बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा होगा दोस्तों। तो आपको बता दें, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के ठहरने के लिए अर्ध विराम कहते हैं, बिल्कुल सही है। विषय विभाजन या क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ कोष्टक का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक जैसे होता है, उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था, बिल्कुल गलत दोस्तों। यही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मां ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटवल करवा दी दोस्तों, क्या करवा दी दोस्तों? तिल का ताड़ बनाकर। क्या? तिल का ताड़ बनाकर, मतलब छोटी बात को बहुत ज्यादा बना के दोस्तों क्या करवा दी? युद्ध करवा दिया मां ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, 53 हो गया, 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर क्या है? एक तो करेला दूजा नीम पे चढ़ा, इसका मतलब जानते हो कि बुरे को और बुरा संगत मिल जाना दोस्तों, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना दोस्तों। ठीक है, तो यही आप समझ सकते हैं, बिल्कुल तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है कि मुहावरे का भावार्थ सही नहीं दोस्तों, थूक कर चाटना कहकर मुकर जाना, बिल्कुल सही है। ठीक है, और पता होगा नाक भौं सिकोड़ना दोस्तों, अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना दोस्तों, जो चीज आपको पता है घर में भी होता है ऐसे दोस्तों कि नाक और भौं सिकोड़ लेते हैं, मतलब जो चीज पसंद नहीं होती है। ठीक, सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लाछन लगाना, बिल्कुल सही है। घड़ों पानी पर न आने की क्या होता है दोस्तों? लज्जित होना, बहुत वर्षा होना, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसका क्या होता है? लज्जित होना। चलिए अगला है, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना दोस्तों, ठीक है, या फिर नष्ट होने के करीब पहुंचना, इस भावार्थ का सही क्या होता? कहते नहीं कि चींटी के पर निकल आए, अब अंतिम समय आ गया चींटी के मरने का ना, तो दोस्तों यही सही हो जाएगा। अज्जल कगरी छलक जाए, मतलब क्या? दिखावा करना दोस्तों। ठीक है, अपने मुंह में मिट्टू बनना नहीं, अपनी प्रशंसा खुद करना, मेरी बिल्ली मुझे सिमाऊ, मतलब जो आपको संरक्षित कर दे दोस्तों उसी से गलत बोलना। ठीक है, चलिए अगला है, अत्यधिक परिश्रम से आनंद आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने क्या किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो उसने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 57 का हमारा क्या हो जाएगा? अप्रिसमेंट दोस्तों, क्या हो जाएगा? तुष्टिकरण। चलिए अगला है कि दोस्तों, निम्नलिखित विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, तो इसमें कौन सा नहीं हुआ? देखिए, अटॉर्नी जनरल क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा महान्यायवादी होता है, महान्यायाधिवक्ता नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल सही दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला है, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? सांच को आंच नहीं दोस्तों, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं, बिल्कुल सही है। और हाथ कंगन को आरसी क्या? पढ़े लिखे फारसी क्या नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेकी कर दरिया में डाल, भरा करके भूल जाना, बिल्कुल सही है दोस्तों, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका दोस्तों, यानी दोस्तों क्या होते हैं? अपराधी का निशंक होना, देखिए निशंक नहीं तो सशंक होना ना, तो यही गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए, आग बबूला होना मतलब बहुत ज्यादा क्रोध होना, यानी अत्यंत क्रोधित होना। चलिए अगला है, अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि आत्मनिर्भर बनना दोस्तों, स्वावलंबी होना। ठीक है, चलिए 61 हो गया दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर क्या कहता है हमारा दोस्तों? कि अथॉरिटी मतलब क्या होता है दोस्तों? अथॉरिटी मतलब क्या नहीं होगा? परिभाषित शब्द नहीं है दोस्तों, अथॉरिटी से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आपको पता होगा लेखकीय अधिकार दोस्तों। चलिए अगला है, किस विकल्प में सुसंगत परिभाषिक शब्द नहीं है मेरे दोस्तों? सुसंगत परिभाषिक शब्द नहीं है दोस्तों, किसमें नहीं है दोस्तों? आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? यातायात होता है। क्या होता है? यातायात होता है, ना कि आयात निर्यात। क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम बोलते हैं आयात निर्यात दोस्तों। अगला है, किस विकल्प में गलत परिभाषिक शब्द है दोस्तों? तो गलत परिभाषिक शब्द कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता होगा अप्रेंटिस मतलब क्या होता है? प्रशिक्षु होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रशिक्षु होता है दोस्तों, ना कि प्रशिक्षण होता। क्या होता है? प्रशिक्षु। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि ग्रॉस मिसकाउंडक्ट दोस्तों, इसका क्या होगा? समकक्ष क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आपका 3 नंबर, घोर कदाचार दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? समकक्ष हमारा 66 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्षेत्राधिकार दोस्तों। ठीक है, चलिए अप्रोच का क्या होता है दोस्तों? असंगत शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका असंगत क्या हो जाएगा? सिफारिश होता है, दृष्टिकोण, उपमार्ग, मगर दोस्तों पहुंच नहीं होगा। क्या? 67 का बिल्कुल सही ऑप्शन का होगा, पहुंच नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, किस शब्द का
संधि विच्छेद सही नहीं दोस्तों। क्या, किस शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों सही नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए अनुधन स्थान अनुष्ठान होता है, पर धन रथ दोस्तों परिणत हो जाता है, और आद्यो धन पात दोस्तों आद्य धन उपांत। दोस्तों आद्य धन उपांत का मतलब क्या हो जाएगा? आद्युपांत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आद्युपांत हो जाएगा दोस्तों। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। और सच धन सास दोस्तों सच सार्थ होता है, ये बिल्कुल सही दोस्तों। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं दोस्तों? देखिए मनाधन तप मनस्ताप दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका? बिल्कुल सही है। निधन रोग निरोग दोस्तों, और तथा धन एव तथा, और रवि धन इंद्र दोस्तों, रविंद्र नहीं होता रविंद्र होता है, बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए थी, तो यही हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? कौन सा संधि शब्द गलत दोस्तों? सतधन मार्ग क्या होता है दोस्तों? सन्मार्ग होता है दोस्तों। क्या होता है? सतधन मार्ग सन्मार्ग होता है दोस्तों। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा, ये गलत है दोस्तों, सदमार्ग नहीं होगा, ठीक है। जबकि सतधन गति सदगति हो जाता है, धन चिन्मय हो जाएगा तो सज्जन सज्जन हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सही, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। 70 का बिल्कुल गलत हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, हमने कितना 70 देखा, अभी आगे देखते हैं। 71 नंबर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही नहीं है दोस्तों? तो किस शब्द की संधि सही नहीं है? राम धन इस दोस्तों सही है दोस्तों, सही बताना। तो राम धन नहीं होता, रमा धन इस रमेश होता दोस्तों, गुड़ संधि। और दोस्तों आपको बता दें, गति धन अवरोध दोस्तों, गत्यावरोध दोस्तों, ये भी गलत है, ठीक है। तो दोस्तों सही कौन सा है? तो दोस्तों शीत धन ऋतु, शीत ऋतु ना दोस्तों, बिल्कुल सही आपका 71 का हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गत्य धन अवरोध, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, और ये भी गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला है, किस शब्द की संधि सही नहीं है दोस्तों? किस शब्द की संधि सही नहीं दोस्तों? देखिए सद्धन चरित्र बिल्कुल सही, सच्चरित हो जाएगा। वाग धन इस वागीश हो जाएगा, बिल्कुल सही। सर्धन आदन सड़ाधन हो जाएगा, बिल्कुल सही। तद्धन उपरांत दोस्तों तदुपरांत होता है दोस्तों, तदुपरांत नहीं तदुपरांत होगा। क्या? तदुपरांत होगा, छोटे उ की मात्रा लगेगी, दा में ओ की मात्रा नहीं लगेगी, तो हमारा डी ऑप्शन क्या जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित दोस्तों? आपको पता, तद्धन लीन तल्लीन, परिधन नाम परिणाम, अनुधन छेद अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों, मगर दोस्तों फलस्वरूप गलत हो जाएगा, तो यही फलस्वरूप कोई संधि नहीं दोस्तों। तत्धन लीन होता है ना, तत्धन लीन दोस्तों, तल्लीन हो जाएगा ना, परिधन नाम परिणाम हो ना, परिधन नाम, अनुधन छेद दोस्तों अनुच्छेद हो जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए 74 नंबर देखते हैं, 74 नंबर क्या कहता है दोस्तों? कि 74 नंबर कहता है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व मतलब क्या होता है? जिसमें दोस्तों डैश लगता है। क्या? डैश लगता, चाल चलन, चाल और चलन दोस्तों, बिल्कुल सही। हानि लाभ, हानि और लाभ, माता पिता, माता और पिता, परम पिता दोस्तों, परम पिता, परम रूपी पिता दोस्तों, ये नहीं होगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है दोस्तों? उपसर्ग जिसमें नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा 75 का हमारा आनंद। आनंद में दोस्तों कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। क्या? आनंद में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा। अगला है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हैं दोस्तों? तो देखिए किसमें दोस्तों दोनों चीजें हैं, तो वो आपको बताना। देखिए आ धन है ना दोस्तों, अधिकार और प्लस ई है ना दोस्तों, क्या हो जाएगा? अधिकारी में दोस्तों दोनों के दोनों शब्द लगे हैं दोस्तों, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी लगा है, ठीक है। चलिए अगला है, द्वंद्व समास का उदाहरण है दोस्तों। द्वंद्व समास देखिए, गौशाला गौ के लिए साला, तत्पुरुष समास मन चाहा, मन से चाहा दोस्तों, ठीक है। तत्पुरुष समास प्रत्यक्ष अच्छ के प्रति दोस्तों, यह हो जाएगा अव्यभाव दोस्तों, शीतोष्ण शीत और उष्ण दोस्तों, शीत और उष्ण दोस्तों, यही हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए किस विकल्प में दोस्तों कर्मधारय समास नहीं है दोस्तों? तो किस विकल्प में दोस्तों आपको बताना है कि कर्मधारय समास नहीं है दोस्तों? लघु कथा बिल्कुल सही है, देहलता बिल्कुल सही, नीलगाय दोस्तों इन तीनों में, मगर आप बीती का होगा, आप पर बीते दोस्तों, इसमें क्या होगा आपका? बहुव्रीहि सॉरी तत्पुरुष समास हो जाएगा ना, तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों, संप्रदान है ना, तो इससे समझिएगा तत्पुरुष समास आप बीती आप पर बीती, ठीक है। चलिए अगला है 79 नंबर दोस्तों, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है दोस्तों? किस विकल्प में क्या है तत्पुरुष समास दोस्तों? तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत दोस्तों, क्या? तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, बिल्कुल सही दोस्तों, हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों? तो किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों? स्नानागार दोस्तों, तो स्नान प्लस आगार होता दोस्तों, ना कि गार होता, तो स्नानागार बिल्कुल सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? संस्कृत वाला शब्द नहीं है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, त्योहार का दोस्तों तिथिवार होता, तिथिवार दोस्तों ना, तो यही हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल
बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस विकल्प में सभी शब्द क्या हैं तत्सम है दोस्तों। तो किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है दोस्तों, दंड सिर और साग दोस्तों यही क्या है, सभी के सभी क्या है तत्सम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है दोस्तों। तो किसमें दोस्तों आपको बता दें कि कोई उपसर्ग नहीं लगा दोस्तों। तो आपको पता बेगुनाह में दोस्तों बे लगा है, बेखबर में बे लगा है दोस्तों, बेलदार में दोस्तों बेलदार में नहीं लगा दोस्तों, बेलदार में नहीं लगा, बेकार में बे प्लस कार हो जाएगा दोस्तों, मगर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से इन प्रत्यय लगा किसमें नहीं लगा दोस्तों, इन प्रत्यय किसमें नहीं लगा, शौकीन गमगीन दोस्तों। तो यहां पे आपको गीन दिख रहा होगा दोस्तों, तो गीन इसी में नहीं लगा ना, गमगीन तो दोस्तों यही गलत हो जाएगा दोस्तों हमारा, बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं लगा दोस्तों, श्यामल तो श्याम प्लस ला, मांसल मांस प्लस ला, मंजू प्लस ला, मंजूर, अतल में दोस्तों ला नहीं है दोस्तों, क्या है इसमें प्रत्यय नहीं है दोस्तों ला, ठीक है। चलिए हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है दोस्तों, तो वह सदैव सच बोलता है दोस्तों, क्या वह सदैव सच बोलता है दोस्तों, इसी में आपके सारे सारे हिंदी शब्द दोस्तों विदेशी शब्द आपके नहीं है। देखिए यहां पे टक्कर और अनेकों लोग घायल हो गए दोस्तों, ठीक है, अनेक लोग आवाज दोस्तों, ये भी है प्रश्न दोस्तों, ये संस्कृत का है दोस्तों, ये चीज समझिएगा, केवल हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है दोस्तों, किस शब्द में कोई सभी शब्द दोस्तों विदेशी मूल का नहीं है दोस्तों, आपको पता होगा अकेला और साहस यही दोस्तों क्या है, इसमें कोई भी शब्द विदेशी मूल का है ही नहीं। चलिए अगला है कि किस विकल्प के सभी शब्द क्या है तद्भव है दोस्तों, क्या किस विकल्प के सभी शब्द क्या है तद्भव है मेरे दोस्तों, किसका, छकड़ा कागजल और खेत दोस्तों, खेत का क्षेत्र है ना कज्जल दोस्तों, यही हमारा ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 89 नंबर देखते हैं, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है दोस्तों, तो आपको बता दें आंक काक और आम दोस्तों, यही हमारा ऐसा है दोस्तों जिसमें दोनों तरह के शब्द क्या हैं, मतलब कि इसमें मौजूद है दोस्तों, ठीक है। चलिए जैसे कि आपको पता गांव का ग्राम होता है, व्याघ्र है ना, बिच्छू दोस्तों, वृश्चिक है ना, तो ये सब चीजें जानते हैं, ये सब तत्सम हो गए, ठीक। तो मगर यही चौथा ऑप्शन है जिसमें दोनों चीजें क्या हैं समाहित हैं। अगला देसा शब्द दोस्तों, कीवाड़ टिटुआ टोटका और ओखले दोस्तों, कहते हैं टिटुआ दबा दे, टिटुआ मतलब क्या गांव का शब्द है ना, टिटुआ क्या बोलते हैं गले की जो हड्डी होती है दोस्तों, उसको टिटुआ बोलते हैं ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं 91, गुणवाचक विशेषण से संबंधित कौन सा वाक्य है दोस्तों। तो चलिए समारोह में अनेक लोग उपस्थित दोस्तों, बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों, ठीक। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना, देखिए व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा कि कपटी दोस्तों, यही विशेषण है दोस्तों, देखिए व्यक्ति का है विशेष है और व्यक्ति की विशेषता का ऐसी कपटी दोस्तों, यही कपटी हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, चलिए और देखिए यहां पर दोस्तों ये भी इसमें भी है दोस्तों, जैसे कि ये देखिए, मगर ये संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक कक्षा पहली कक्षा कक्षा विशेषता का पहली दोस्तों, ये संख्यावाचक, मगर गुण की बात की गई तो कपटी व्यक्ति, व्यक्ति की गुण क्या है, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई दोस्तों, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। वह पतंग उड़ा रहा है दोस्तों, बिल्कुल इसी में दोस्तों सकर्मक है। अब धावक मैदान में दौड़ रहा है दोस्तों, बिल्कुल नहीं दौड़ना नहीं। बच्चा बहुत देर से रो रहा है दोस्तों, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं, वह अभी तक रो रहा है दोस्तों, तो रोना दोस्तों अकर्मक होता है, ठीक, सकर्मक नहीं। चलिए अगला है, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रियापदों से निर्मित है दोस्तों, सभी संज्ञा पद से क्रियापदों से ही निर्मित है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। देखिए भूल और हंसी दोस्तों, भूल और हंसी हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों, कौन सा है जो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है मेरे दोस्तों, तो कौन सा है, ममता दोस्तों, ठीक है, मम मतलब दोस्तों ममता है ना, तो ममता क्या हो जाएगा दोस्तों, यही विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगला, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं दोस्तों, तो कौन सी नहीं है इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा दोस्तों, आपको पता होगा खटाई नहीं है, देखिए खटाई किससे बना, खट्टा से ना, खट्टा से खटाई बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 96 नंबर क्या कहता है हमारा, देखिए बहुत जल्दी जल्दी हमने देखे हैं, विस्मात बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो कौन सा कथन सही है दोस्तों ये बताइएगा, ये प्रायः वाक्य प्रारंभ में लगते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही आ गया। देखिए हमने बताया था कि विस्मात बोधक दोस्तों ये ऐसा चिन्ह होता है जो कि दोस्तों सबसे पहले यूज होता है ना, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये केवल शोक और घृणा के भाव प्रकट करते हैं नहीं दोस्तों, बहुत सारे भाव ये प्रकट करते हैं, इनके
वचन के अनुसार विकार होता तो ये भी गलत होगा, हमारा बिल्कुल सही ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों? तो देखिए किस में नहीं हुआ, ये तो आज जाएगा, क्योंकि ये आज जाएगा दोस्तों, मगर तो लग गया, इसमें निपात लगा है, ठीक है, इसमें क्या है, निपात लगा है दोस्तों, बिल्कुल सही समझ में आया होगा। अब देखिए मुझे एक गिलास पान दूध चाहिए दोस्तों, इसमें कोई निपात नहीं, इसमें दोस्तों परिमाणवाचक, ठीक है, इसमें कोई निपात नहीं, हमारा दूसरा ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए मैं भी उसके साथ जाऊंगा दोस्तों, भी लग गया, ये निपात लग गया, वह कल ही चला जाएगा दोस्तों, तो ही लग गया, ये भी निपात दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी निपात प्रयोग में नहीं आया है। चलिए अगला है दोस्तों 98, किस वाक्य में क्रिया विशेष क्रिया अकर्मक रूप से प्रयुक्त हुई दोस्तों? तो मदारी भालू को नचाता है, माँ पुत्र को समझाती है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, यह वह बिना बात ही हंस रही दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा, कोई दोस्तों बिना बात के हंस रही दोस्तों, हंसना क्या है दोस्तों, आक्रामक क्रिया है, तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर नंबर, ठीक है, चौथा नंबर। चलिए अगला क्रिया विशेषण रहित दोस्तों, किसमें क्रिया विशेषण नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं। देखिए वे अचानक चलेगा, देखिए चलने जाने की दोस्तों, चलने जाना क्या है क्रिया, और इसकी विशेषता क्या है अचानक, तो बिल्कुल सही इसमें है क्रिया विशेषण, सुबह से लगातार वर्षा हो रही, देखिए वर्षा तो हो रही, होने की विशेषता क्या है लगातार दोस्तों, इसमें भी क्रिया विशेषण हो गया, और मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, सुनो सुनना कैसे दोस्तों, क्रिया सुनना है, सुनना भी कैसे ध्यानपूर्वक, मगर दोस्तों इसमें आपका नहीं है दोस्तों, ये क्रिया विशेषण रहित है, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी दोस्तों, विद्यार्थी विशेषता बता रहा है, विशेषण होगा इसमें, ना कि दोस्तों आपका क्रिया विशेषण। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, देखिए किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? पहला है कि मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा दोस्तों, संबंध सूचक, ठीक है, मेरा गांव पास में ही है, या वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, या अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला दोस्तों, तो अपराधी ने पुलिस के सामने क्या झूठ बोला दोस्तों, यही क्या है संबंधवाद सूचक अव्यय है दोस्तों, क्या संबंध सूचक अव्यय है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में देख लिए दोस्तों, और आपको बता दें कि आपको वीडियो कैसे लगे हमें अवश्य बताइएगा, और आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, और अगर इसके आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, ठीक है, इसी नाम से दोस्तों ऑफिशियल लगा के, चैनल के नाम के आगे ऑफिशियल लगा के दोस्तों आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, वहां पे हमारा चैनल मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, उसमें और बहुत सारी वीडियो आपको पहले से या फिर पीडीएफ आपको मिल जाएंगे दोस्तों, जिन्हें आप ज्वाइन करके अच्छे से मतलब पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि हमारी दोस्तों हमने मैराथन क्लास बनाई थी एक हिंदी की दोस्तों, कितने 12 घंटे की मैराथन क्लास है दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास की, उसे अगर आप देखना चाहते हैं उसका लिंक हम नीचे देंगे। और दोस्तों हमने जो अभी हाल ही में यूपीएसआई का पेपर हुआ दोस्तों, मृतक आश्रित का दोस्तों, उसका भी हमने सॉल्व कराया, सोल्यूशन दिया पूरा, तो उसे भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।